हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 2 DIY पपाया फेस पैक शेयर कर रही हूँ। तो जो मेरा पहला फेस पैक है वो है ऑयली स्किन के लिए, और अगर किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन हो गया है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मैंने पपाया लिया है। इसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ और सीड्स को भी रिमूव कर रही हूँ। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पपाया लीजिए, कितना आपको बनाना है उस हिसाब से लीजिए। ये मैंने पील ऑफ कर दिया है, सीड्स को भी रिमूव कर दिया। मैं इसको छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर रही हूँ। ये मैंने कट भी कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊँगी। आप इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाइए। ये मैंने इसको मैश कर दिया है। अब मैं इसका पेस्ट फेस पैक बनाऊँगी। तो मैं सबसे पहले लूँगी 2 स्पून मैश किया हुआ पपाया। और अब मैं इसमें यूज करूँगी ऑरेंज जूस 1/2 स्पून। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से वो करूँगी। मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी, आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो हल्के हल्के हाथों से मसाज करना, और 10-15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद ज़रूर अपना मॉइस्चराइज़र लगाइए। अब मैं आपके साथ दूसरा फेस पैक शेयर कर रही हूँ, जो कि अगर किसी की स्किन के डार्क स्पॉट है, किसी की स्किन डल हो गई है, किसी कारण से ब्लैक हो गई है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी की स्किन ड्राई हो गई है तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, डार्क स्पॉट को रिमूव करेगा और स्किन को ब्राइट करेगा। तो उसके लिए भी मैंने पपाया लिया है। इसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ, सीड्स को भी मैंने रिमूव कर दिया है। वही आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए, कितना आपको चाहिए उस हिसाब से लीजिए। अब मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूँगी। आप इस फेस पैक को एवरीडे यूज़ कर सकते हो, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट है अगर आप एवरीडे इसको यूज़ करोगे। इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी। ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसका फेस पैक बनाऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2 स्पून मैश किया हुआ पपाया लूँगी, हनी लूँगी 1 स्पून, 1 स्पून मिल्क लूँगी। अब मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी, आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज कीजिए, और 10-15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद ज़रूर अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। लव यू अ लॉट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।